औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोधा के नवाही इलाका चक नंबर 122 शुमाली में, जहाँ पे 1901 में एक बड़ा ही खूबसूरत रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों ने तामीर किया, जो उन खुश नसीब रेस्ट हाउसेज में से एक है जो आज आबाद हैं। इनके लान बड़े खूबसूरत हैं, इसके अलावा यहाँ पर बड़े कदीम दरख्त हैं जो बड़े ही खूबसूरत दरख्त हैं। इसके अलावा नहर का किनारा है, ये बड़ी ही आइडियल और बड़ी पीसफुल और बड़ी पुरसकून लोकेशन पे है। आए आपको विज़िट करवाते हैं। ये जो रास्ता नहर की पटड़ी के साथ आ रहा है, ये इसी रेस्ट हाउस को आ रहा है, और ये सामने रेस्ट हाउस है। बड़ा ही इसका खूबसूरत व्यू है। इसके आसपास जो इसके सराउंडिंग में जो इन्होंने लान बनाए हैं ना, इस रेस्ट हाउस के आसपास बड़े खूबसूरत है। इसको थोड़ी सी ज़मीन अलाट की गई थी, 6 से 7 एकड़ या 8 एकड़, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेहमान आए उनके लिए यहाँ पे सब्जियाँ काश करें जो नौकर थे वो, या मुर्गियाँ वगैरह रखें, तो इस वजह से ना इस रेस्ट हाउस को थोड़ी सी ज़मीन भी अलाट की गई थी। ये इस रेस्ट हाउस के सामने का आप फ्रंट वाला बगीचा देखें, कितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे पौधे लगा के इसको डेकोरेट किया हुआ है कि दिल खुश हो गया। ऐसी पुरसकून जगह ना कि आप इंशाल्लाह वीडियो देख के इंजॉय करेंगे। यहाँ पे बड़े कदीम दरख्त हैं और बड़े ही पुराने, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने दरख्त आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आज से कोई 125 साल पहले के लगाए गए दरख्त हैं, सुम्बल के दरख्त हैं, और बहुत ही मज़बूत और पायदार और पूरी अपनी आबोताब के साथ ये यहाँ पे कायम है। आइए आपको इसके बगीचे में लेके चलते हैं जी। ये इस रेस्ट हाउस का आप फ्रंट व्यू देखें, और इसके बिल्कुल सामने ये बड़ा ही खूबसूरत पौधों का एक लॉन डेकोरेट किया गया। ये पहले का ही है लेकिन इसको मज़ीद रेनोवेट किया गया है। इसमें बहुत से पौधे पुराने हैं और बहुत सारे नए लगाए गए हैं, और यहाँ पे इस वक्त इतना पुरसकून माहौल है, परिंदों के बोलने की आवाज़ें ऐसे दिल पर सहर तारी कर रही हैं, और बड़ा ही पीसफुल माहौल है। यहाँ पे गुलाब के फूलों के बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, नहर का किनारा है, और ये एक ऐसी रोमानवी सी लोकेशन है कि आपको क्या बताऊँ। इसका व्यू चेक करें जी, बड़ा ही बेहतरीन और प्यारा सा इसका व्यू। इसके अंदर चलते हैं बरामदे में, बिल्कुल सामने ये वेंटिलेशन के लिए विंडो अंग्रेज़ों ने रखी थी, बिजली का वही पुराना निज़ाम, अब तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है सब घरों में, और ये देखें ये वायर ही है। आगे चलते हैं जी, आपको इसकी छत दिखाते हैं जी, वही डॉट स्टाइल की छत है जो हमने काफ़ी वीडियोस में दिखाई है आपको, जिनमें गिरी पड़ी होती थी, ये तो काफ़ी इसको रेनोवेट करके चुना चुना करके इसको बेहतरीन हालत में रखा गया है। वही पुराने स्टाइल के दरवाजे, ऊपर ये शायद कोई ग्लोव वगैरह लगाए गए थे, और ये एक बगीचे से निकले, दूसरे से निकले, तीसरे में आपको ले जाएगा। यहाँ पे बड़े खूबसूरत बगीचे बनाए गए हैं। इस बगीचे में काफ़ी वो फलदार पौधे भी काफ़ी हैं। जी आप इसका साइड का व्यू चेक करें, यहाँ पे गीज़र लगाए गए हैं, एसी लगाए गए हैं, और ये मुकम्मल रेस्ट हाउस महकमा अनहार सरगोधा के अंडर है, और अफीसरान आते हैं यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने के लिए, और इसका कोई मसरफ़ नहीं है।
और ना ही इसको किसी और इस्तेमाल में लाया गया, बस जैशियों के लिए इसको रेनोवेट किया गया और बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे ये वाक़ है। ये इस रेस्ट हाउस का बैक व्यू है और मेरे आप अगर पीछे देखें तो यहाँ पे एक किचन है। ये अंग्रेज़ों ने इसको तामीर किया था लेकिन पाकिस्तानियों ने यानी मेहमान हार सरगोदा के सरान ने इसको खंडरात में तब्दील कर दिया। इसको रेनोवेट नहीं किया, सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए जो था वो उसको रेनोवेट करके यहाँ पे आते जाते हैं, मगर ये मुकम्मल ही खंडरात का मंदिर पेश कर रहा है। आइए आपको छत का एक व्यू दिखाते हैं। इस रेस्ट हाउस में 2 से 3 कमरे हैं जी, उनको रेनोवेट किया गया, उनके लिए स्पेशली एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया गया, बिजली का कनेक्शन दिया गया। सामने जो आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं वो इसी बंगले के मुलाजमीन के वहाँ सर्वेंट क्वार्टर थे जो आज वीरान हो चुके हैं। कुछ दरख्त भी यहाँ पे मुनासिब देखभाल ना होने के बायस यहाँ पे सूख चुके हैं। सामने ये जो आपको किचन अभी पहले दिखाया वही किचन है। हम छत पे मौजूद हैं तो अंग्रेज़ों ने कमरे गर्म रखने के लिए नीचे गिठियाँ चलाते थे, ऊपर से धुएं के अखराज के लिए चिमनियाँ तमीर की जाती थी, वो आप सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये 2 कमरे हैं जी, 2 चिमनियाँ, एक छोटा सा बीच में हाल है। ये सामने पुराने दरख्त हैं और ये बिल्कुल नहर का किनारा है, नहर के किनारे पर ये वाक़ है। ये सामने भी कुछ दरख्त सूख चुके हैं। ये वही लान है जी जिसके हमने आपको पहले वीडियो दिखाई है, बड़े खूबसूरत और पुरसकून लान है। यहाँ पे जामन के काफ़ी दरख्त हैं, आम के और सुमल के और सफ़ेदे के, सरू के और अमरूद के, काफ़ी यहाँ पे ना दरख्त को पहले के लगे हैं, कुछ बाद में लगाए गए हैं। ये इसकी छत जो है काफ़ी रेनोवेट की गई है, इसको काफ़ी इसकी देखभाल की गई है और ये बिल्कुल अब ज़बरदस्त हालत में है। अगर इसकी छत रेनोवेट ना की जाती तो हमने जैसे कि पहले बहुत सी वीडियोज़ में आपको दिखाया, बहुत सी ऐसी इमारात जो है वो गिर चुकी हैं, तो इसको वक्तन फोक्तन जो है ना वो इसकी देखभाल की जाती है, सीमेंट वगैरह लगाया जाता है। सामने डिश एंटीना अफसरान की सहूलत के लिए रखा गया, वो यहाँ पर आते हैं जी और इन्जॉय करते हैं। जब इस रेस्ट हाउस को तामीर किया गया तो इसका बड़ा ही ज़बरदस्त एक नक्शा तैयार किया गया, नहर के किनारे इसकी लोकेशन को चूज़ किया गया। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरी लेफ़्ट साइड पे सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए, चौकीदार का घर बनाया गया। और इसके अलावा जो मैंने इस साइड भी आपको दिखाया वहाँ पे भी मुलाजमीन के कमरे और इसकी दूसरी साइड पे मगरब वाली साइड पे किचन वगैरह तामीर किया गया। तो ये बड़ा एक खूबसूरत इसका मैप है, आए मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं। एक में ये रेस्ट हाउस तामीर किया गया, आज 122 साल गुजरने के बाद भी ये अपनी शान शौकत के साथ कायम है। अफीसरान का इसको रेनोवेट रखने का मकसद जो मुझे देखने में नज़र आया वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सहूलत है। इस 2 से 3 कमरों के रेस्ट हाउस के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया, 3-3 AC लगे हुए हैं, 4-4 मुलाजम है। इसके अलावा यहाँ पर डिश का अरेंज किया गया जो मैंने आपको पहले दिखाई है। बहरहाल जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।